बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका द किचन काउंटर में। आज हम बहुत ही मज़े का जूस बनाने जा रहे हैं, आड़ू का जूस, जो बहुत टेस्टी होता है और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम नए अंदाज से इसको बनाएंगे। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो लीमू लिए हैं, उनके छिलकों को इस तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको कर लेना है। हम इसमें लेमन का जूस भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका एक अपना टेस्ट आएगा उसमें, तो ये ज़रूर आप शामिल कीजिएगा। चलिए अब हम आड़ू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आड़ू लिए हैं, मैं चार आड़ू की कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने आड़ू की कटिंग करनी है। बहुत आसानी से आप इस तरह से आड़ू की बहुत खूबसूरती से कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से, ये देखें कैसे मैंने इसको हाफ़ कर लिया है और इसके पीसेस छोटे छोटे बना लिए हैं मैंने। अब इसको गुठली से अलहदा कर लूँगी बाकी। ये देखें, इसी तरह से मैं चार आड़ू लेकर उनकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, अब इसके बाद मैंने एक सॉस पैन लिया है। सॉस पैन में मैं ये आड़ू डाल दूँगी, क्योंकि हमने अब इसको थोड़ा सा बॉयल करना है और वो जो लेमन के छिलकों को हमने क्रश किया था वो शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें चीनी है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लेमन का जूस शामिल किया है। 2 कप पानी डाल दिया इसमें मैंने। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि आड़ू जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि आड़ू जो हैं वो सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसको बड़े एहतियात से आपने इस तरह मैशर की मदद से इस तरह से इसको मैश करना है और फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है। ये देखें, तमाम आड़ू जो हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं और फ्लेम हमारा ऑन था, जो थोड़ा सा पानी था उसमें वो ड्राई हो गया है। अब मैंने तमाम आड़ू का जो मिक्सचर था, जो इसका जो गूदा बनाया था, वो मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है। और स्ट्रेनर में डालने के बाद इस तरह से मैं इसको प्रेस करके एक नीचे बाउल रख लिया मैंने। इस तरह से इसका गूदा जो है वो मैं और जूस जो है वो निकालती जाऊंगी उसमें। इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है ताकि तमाम जो जूस और गूदा है जो वो निकलता जाएगा और जो एक्स्ट्रा है वो इसी में रह जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने करना है। अब ये देखें, स्ट्रेनर से के नीचे से इस तरह से हम, ये देखें, इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे और उसको अच्छे तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखें हमारा कितना अच्छा सा हमारा जूस जो है वो आ गया है। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे। जितनी आपको बर्फ़ पसंद है, अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप आइस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ ग्लास से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें जूस शामिल किया है और मैं अब इसमें पीच माल्ट शामिल करूँगी। ये देखें, आप इसमें सेवनअप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भी ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। इससे भी थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है इसमें, बहुत मज़े का लगता है। आप पीच माल्ट के साथ भी इसको ट्राई करें और इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब आप इसकी गार्निशिंग करें पुदीने के साथ। पुदीना तो बहुत अच्छी चीज़ है और हर चीज़ में बहुत टेस्ट देता है ये। एक ज़बरदस्त सा हमारा जूस तैयार हो गया है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।